बढ़ती ठंड को ध्यान में रखकर खान पान का रखें पूरा ख्याल, डॉक्टर अमित आनंद। ठंड की आहट होते ही मानव जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। इनसे निपटने के लिए बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए खान पान का पूरा ख्याल रखना चाहिए। वहीं बीपी, शुगर एवं हार्ट के पेशेंट को अहले सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठंड में हार्ट अटैक एवं ब्रेन हेमरेज का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इस मौसम में पैरालिसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में घर पर ही बैठकर योग करना फायदेमंद साबित होगा। उक्त बातें पश्चिम रेलवे कॉलोनी के पास स्थित माधव हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित आनंद ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। डॉक्टर आनंद ने कहा कि माधव हॉस्पिटल विगत 3 वर्षों से पीड़ित मानवता की सेवा में संलग्न है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जाँच कैंप लगाकर निर्धन एवं गरीब लोगों को फ्री दवा दी जाती है, साथ ही प्रत्येक शनिवार को आने वाले मरीजों की मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही अस्पताल में रोगी एवं परिजनों के लिए भी मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आधुनिक एवं एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। उन्होंने कहा कि पित्त की थैली, अप्रेंटिस हर्निया सहित अन्य किसी भी प्रकार के स्टोन से संबंधित मरीज का सर्जरी अत्याधुनिक तरीके से किया जाता है। साथ ही ऑपरेशन का चार्ज भी न्यूनतम रखा गया है, ताकि गरीब एवं मध्यम वर्ग को बीमारी बोझ न साबित हो। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमारी स्नेहा के द्वारा भी महिलाओं से संबंधित गंभीर लोगों का इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चे एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ भी आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर आनंद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जाँच का आयोजन कर पीड़ित मानवता की सेवा की जा रही है, जिसके अंतर्गत सौर बाजार के सिलेट ग्राम में अगले कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में किसी भी प्रकार के छाती एवं सर में तेज दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मरीज की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी इलाज संभव हो पाएगा। बदलते मौसम में लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? जैसे मौसम बदल रहा है तो धीरे धीरे करके ठंड आ रही है, तो ठंड में खास करके बच्चे एंड जो बुजुर्ग है उनको जो है ठंड से बच के रहना है, ऊनी कपड़े पहने ढक करके रखना है आप अपने आप को। और जो बुजुर्ग हैं खास करके उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर वो वॉक करते हैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग ना जाएं, ठंड से बचें। ठंड में जो है स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर उनको ऐसा कुछ भी असुविधा लग रहा है कि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही है या सीने में दर्द हो रही है, तो वो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएँ, अपना ECG करवाएं या जो फिजिशियन है उनसे मिले और प्रॉपर इलाज कराएं, उनको इग्नोर ना करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस मौसम में काफ़ी संख्या में लोग जो है पैरालिसिस या फिर हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। बदलते मौसम में खान पान में किस तरह का परहेज करना चाहिए? जो अभी मौसम बदल रहा है, एक्चुअली इसमें जो है हमारी जो पुरानी पद्धति का खाना है, जो हम लोग बहुत पुराने ज़माने से इस चीज़ को यूज कर रहे हैं, जैसे तिल का प्रयोग ज़्यादा करना हुआ, गुड़ का प्रयोग करना है, गुड़ से इम्यूनिटी बढ़ता है, शहद का प्रयोग कर सकते हैं, इनसे भी इम्यूनिटी बढ़ता है का। और पीने के लिए हमेशा जो है हल्का सा उबला हुआ पानी पिए, इससे कि आपका थ्रोट उतना गला उतना इन्फ्लेम ना हो और आप जो है इन्फेक्शियस डिजीज से बचेंगे। लोगों के लिए गुनगुना यानी गर्म पानी पीना इस मौसम में कितना कारगर सही है? जी, बहुत कारगर है। ये बहुत छोटा सा चीज़ है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी पिए हल्का सा गुनगुना पानी पिए, इससे क्या होगा कि जितने भी आपके इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो आपके थ्रोट में उतना नहीं एक्टिवली ये कर पाएंगे और आप जो सर्दी खांसी और इनका जो है चांस बहुत कम हो जाएगा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने अस्पताल की तरफ से? मैं लोगों को अपने अस्पताल की तरफ से कहना चाहूँगा कि मैं माधव अस्पताल में डॉक्टर अमित आनंद हूँ, मैं जनरल सर्जन हूँ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप शनिवार को फ्री में आके दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो जनरल वार्ड में जो गरीब तबके के मरीज भर्ती होते हैं उनको हम लोग फ्री में रखते हैं, उसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता है और साथ में खाना भी दिया जाता है। जो गरीब मरीज हैं वो यहाँ पे आकर के भर्ती होंगे, हम उनका पूरा ख्याल बड़े अस्पताल की तरह उनका इलाज करेंगे, ना कि कोई गरीब है तो उनको गरीब अस्पताल की तरह। क्या आयुष्मान कार्ड के तहत भी आपके यहाँ इलाज किया जाता है?
अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हमारे आयुष्मान कार्ड आने वाला है। हम लोग इस प्रोसेस में बहुत लास्ट स्टेप पे हैं, तो होपफुली जो है हम बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारे आयुष्मान कार्ड चालू हो जाएगा। और हम इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दूरबीन के द्वारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा सभी तरह का ऑपरेशन किया जाता है, चाहे वो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, पित्त के थैली के पत्थर का हो, अपेंडिक्स का हो, या फिर बच्चेदानी का हो जिसको TLH बोलते हैं। इस सहरसा में 1 या 2 सेंटर पे हो रहा है, तो उसके अलावा हमारे सेंटर पे जो है TLH की सुविधा है। और जितने भी लेटेस्ट तरीके का इलाज है वो सब हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा ICU है जिसमें कि वेंटिलेटर की भी सुविधा है, तो कोई सीरियस मरीज हो और ज़्यादा बिल नहीं, बाहर के बिल को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो कम से कम में हमारे यहाँ आए और हम उनका अच्छा इलाज कम से कम दरों पे करेंगे।